पहले चेक कर लो मैं आ रहा हूँ। अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आए हम, जिसमें हम देखेंगे बेटर टुमारो, अपने कल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस कल में हमारा आने वाला कल भी है, इस कल में हमारा फ्यूचर बिजनेस भी है, इस कल में हमारे बच्चों का फ्यूचर भी है, इस कल में हमारा बढ़ापा भी है। इन तमाम चीजों को एक बड़े सिंपलिसिटी के साथ आप लोगों को आज बताता हूं। तो अगली इससे पहले हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, एक जज्बे के साथ आज आप लोगों को कुछ बेटर टुमारो से रिगार्ड कुछ प्लानिंग बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज आपने ये जहन में बैठा लेनी है कि इंसान की जब जिंदगी स्टार्ट होती है ना, सबसे पहले तो याद रखें आप में कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए, कोई एक ऐसी स्किल जो सिर्फ आप में बेहतरीन है, जिसमें आप बेहतरीन महारत रखते हैं, जो आपसे बेहतर करता ही कोई नहीं है। तो मैं गारंटी करता हूं अगर आप अपने अंदर वो स्किल पैदा कर लें जो आपसे बेहतर करता ही कोई नहीं है, तो आप दुनिया के कामयाब तरीन शख्स हैं। तो एक स्किल आप में जरूर होनी चाहिए। उसके बाद याद रखें आप अपनी अगली जिंदगी में आते हैं कि ड्रेसिंग के ऊपर जो खर्चे करते हैं या किसी और मामले, बेटर टू मार्वल ना, तो खर्चों की बात भी होगी, तो आपने बॉदर नहीं करना इसमें। आपने लोगों को जहन में रखें, ये इसको जो भी कह लें, या टिप्स कह लें, इंजेक्शन कह लें, टीके कह लें, या आपको वो हथौड़ों की सटे कह लें, कि मैं आपको हर पॉइंट बता रहा हूं कि आपने इन पॉइंटों को नोट कर लेंगे, इनको बॉदर करेंगे तो आप कामयाब है, आपका कल कामयाब है, कल आपका सेफ है। नंबर वन, कि आप में कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए। नंबर टू, आप जो ड्रेसिंग के ऊपर करते हैं पैसा, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर, एवरीवन नोस कि उसको क्या पसंद है, हर कोई जानता है कि उसकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। आप जो ड्रेसिंग बाय कर सकते हैं वो आप बाय करें, और बाय करने के बाद लोगों की फीलिंग्स और लोगों के एटीट्यूड को निग्लेक्ट करना है आपने, कि यार जो मैं बेस्ट समझता हूं वो मैंने किया है, तो आप सेफ हैं। लोगों को देखकर अपना मुंह लाल नहीं कर लेना, और वो आपको सूट भी नहीं करता, इसलिए जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है वही पहनना आपने, फिर आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगे। उसके बाद याद रखें हर शख्स ने अपनी जिंदगी गुजारनी है, उस जिंदगी गुजारने में आपका बुढ़ापा भी आना है, अपने बुढ़ापे को आपने खुद प्लान करना है, अपने बुढ़ापे को आपने अपने बच्चों पर नहीं छोड़ देना कि मेरे बच्चों की शादी होगी तो बहू मुझे संभालेगी, बेटा संभालेगा, नहीं। सबसे बड़ी गलती इंसान की है, अगर आप अपने कल को अच्छा देखना चाहते हैं, बुढ़ापे को अच्छा देखना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने प्लान खुद करना है कि आपके पास घर होगा बुढ़ापे में, पैसा होगा, इज्जत होगी, सर उठा के जिएंगे अगर अपने पैसे होंगे आपके पास, इसलिए अपना बुढ़ापा खुद प्लान करना है। उसके बाद आपने सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाओ कि बेटर कल फाइनेंशियली कैसे होगा आपका, उसके लिए एक सिंपल सा असूल है, ये मेरी फीलिंग है और चैलेंज मैं इसको साबित करूंगा। आपके पास जो भी कुल आमदन है उसका 50% खाएं, 50% बचाएं, 50% खाएं, 50% बचाएं, रिपीट कर रहा हूं, बहुत बड़ा जुमला है, इसके ऊपर एक स्पीच आएगी, एक जगह पे स्पीच की थी मैंने हाल में, फैंटेस्टिकली आई माई सेल्फ अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मैंने किसी का भला कर दिया। आधा खाएं अपनी कुल आमदन का, मंथली कुल आमदन का आधा खाएं, आधा बचाएं, आप कामयाब होंगे, आपका कल बेहतरीन होगा। उसके बाद याद रखें सर, अगर बेटर टुमारो करना चाहते हैं तो आपको अपना ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपको एसेट बनाना है, आपको एसेट बनाना है। अगर आप एसेट बनाएंगे अपने लिए, तो आप उस एसेट से इनकम निकाल कर अपनी ख्वाहिशात पर लगाएंगे, तो आपकी इनकम खत्म नहीं होगी, कम नहीं होगी, समझ रहे हैं। जब आपने एसेट बना लिया, एसेट क्या है, नंबर वन पे क्या है, आप नंबर वन पे एसेट कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लें वो आपका एसेट है, आप गोल्ड खरीद लें, कमोडिटी खरीद लें, ये आपका एसेट है, आप हार्ड कैश पेपर मनी की सूरत में रखें, ये आपका एसेट है। आप कोई भी बिजनेस बना लें,
ये आपका एसेट है। एसेट के साथ आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, जरूरियात पूरी करेंगे, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। और एसेट बनाने के लिए आधा अपनी कुल मंथली इनकम का आधा खाएं आधा बचाएं। आज जो है ना, हम आज इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मुआशियात को कैसे मैनेज करेंगे, बेटर टुमारो फाइनेंशियली कैसे बेहतर करेंगे। ठीक है जी, आधा खाएं आधा बचाएं, 50% सेविंग के साथ एसेट बनाएं। उसके बाद जी अगला टीका, अगले टिप, अगला नुस्खा, अगला थोड़ा क्या है प्लीज, अगला आपकी टिप ये है कि जब शादी आए आपकी या किसी की भी, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंस खर्च नहीं करने, जितने आप कर सकते हैं सिर्फ उतने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि उधार पकड़कर आप एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं। शादी तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद गुजर जाएगी, लेकिन वो जो आपका लगा हुआ सरमाया है या जो आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा फजूलियात कर दी हैं, वो आपको नुकसान देंगे। आप लोगों ने याद रखना है, उधार नहीं लेना, उधार एक जंग है और इसको बंद ही रखें आप, ठीक है ना। उसके बाद हमेशा सीख लें, लर्न नो कहना सीख जाएं। अपने किसी बड़े ऐसे को जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, किसी ऐसे को जिसको आप लारा लगा रहे हैं और कह देते हैं मैं कर दूंगा, और नहीं यार, अगर बेटर टुमारो चाहते हैं तो नो करना सीख जाएं। जब आप उसको साफ कहेंगे नो आई कैन नॉट डू दिस, नो मैं नहीं कर सकता, तो आप कल के से बच जाएंगे आप। ठीक है गाइस, ये टिप्स, ये इंजेक्शंस, ये इंजेक्शन है तो इंजेक्शन ले लें, टिप है तो टिप ले लें। जिसको आप इसको हथौड़ा समझते हैं तो हथौड़े मारे हैं मैंने आपको, लेकिन बेटर टुमारो के लिए मारे हैं मैंने। ओके गाइस, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और साथ कमेंट जरूर करें, ताकि कमेंट्स मेरी मोटिवेशन है। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।